कह रहे बच्चों, ये जो आज की अपनी वीडियो है, इस वीडियो में बेटा अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो आप इसको समझ के देखें कि चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, ये एक पहला वीडियो है, इसको आप समझ के देखें, और अगर आपको जो भी डाउट आता है उस डाउट को अपन व्हाट्सएप पे या जूम ऐप पर, जैसे भी, या फिर टीचमेंट ऐप पर इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहता है तो आपको इसी तरह से अपन जो है फटाफट, इससे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस पर आपकी तैयारी फटाफट हो पाएगी, आपके एग्ज़ाम के कारण ये ऐसा किया जा रहा है। बाकी नहीं तो अपन अपने पुराने वाले तरीके से ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी कोशिश करते समझने की। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, कि हेरिडिटी बेटा किसे कहा जाता है। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है ये, जिसमें ट्रेट जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो बेटा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे कहा जाता है हेरिडिटी। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये पेरेंट है, उस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई भी ट्रेट जा रहा है, तो इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा हेरिडिटी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि भी जो ये ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है क्या, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को ही क्या कहा जाता है, ट्रेट कहा जाता है। और ये हेरिडिटी के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है बेटा जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है बेटा, नोट इस बारे में है कि द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, कि हेरिडिटी की जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन की फॉर्म में क्या है, बात ज़्यादा अच्छी क्लियर होती है, इसलिए मैंने इस तरह से नोट्स बनवाए हैं ये, कि और आप इसको पढ़ते हुए नोट्स भी बनाएं, बाकी जैसा आपको बेस्ट लगे, बस आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रेट क्या होते हैं और इसके टाइप बताओ, तो भी साफ बात हमने कह दी कि भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को ही क्या कहा जाता है, ट्रेट कहा जाता है। ट्रेट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इनहेरिटेड ट्रेट होता है और एक एक्वायर्ड ट्रेट होता है। अब भी ये दोनों ट्रेट क्या होते हैं, इसके लिए हमने क्वेश्चन बना दिया कि भी डिफरेंस बताइए। एक सेकंड बेटा, हाँ देखो क्वेश्चन बन गया, जैसे कि डिफरेंस हमको बताना है इनहेरिटेड ट्रेट में और भी एक्वायर्ड ट्रेट में, ठीक है। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना है कि इनहेरिटेड ट्रेट कौन से होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट कौन से होते हैं। तो कैसे बताएंगे डिफरेंस भी, तो हमने देखो एक तरफ तो ले लिया इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है, कि भी ऐसा ट्रेट जो कि एक जनरेशन से अदर जनरेशन में इजीली पास हो जाता है उसे कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट। और बेटा कैन नॉट बी पास्ड, जो कि कभी पास ही नहीं हो पाता पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उस कैरेक्टर को कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। और जो ये इनहेरिटेड ट्रेट है बेटा, ये पास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं करता, और वो ही कैरेक्टर एक ऑफस्प्रिंग से दूसरी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो पाता है जो बेटा रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कोई चेंज क्रिएट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनहेरिटेड ट्रेट से कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होता, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट तो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंज प्रोड्यूस करते हैं। ये अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं बेटा, उसमें एग्जांपल है रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो उस टिश्यू में ये चेंज क्रिएट करते हैं, इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो पाते हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं जो कि वो क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें अपन, तो हाइट है, कलर है, जैसे मान लो एक पेरेंट्स के जो है वो अपने पास में आईज जो हैं वो ब्राउन कलर की हैं, ठीक है, और मम्मी की आईज जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं, तो बच्चे की आईज कैसी होंगी। तो ये जो कलर वाला ट्रेट होता है ये क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट होता है। जबकि जैसे अपन कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन कितना वेट उठा पाता है, पावर,
टू लिफ्ट ए वेट, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेट है अपने पास में, ये है अपने पास में एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। जैसे कोई भी पेरेंट्स या कोई भी पर्सन अपने एफर्ट्स करके जो भी ट्रेट गेन करता है उसे तो हम कहते हैं बेटा इनहेरिट, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, या इनको अपन नॉन हेरिटेबल ट्रेट भी कहते हैं और इसको हेरिटेबल ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी पर्सन कोई ऐसा ट्रेट लेके आता है जो उसके रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंज क्रिएट करता है तो वो ट्रेट तो बन जाता है इनहेरिटेड ट्रेट, और वो ट्रेट जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होता है। लेकिन जैसे कोई पर्सन अपनी मेहनत करके कोई ट्रेट लेके आ रहा है, जैसे मान लो कोई पढ़ाई करके होशियार बन रहा है, या मान लो कोई भी वेट उठाने का ट्रेट लेके आ रहा है, या मान लो कोई भी सिक्स पैक बना रहा है, तो ये सब ट्रेट जो हैं ह्यूमन के एफर्ट्स से आते हैं, ठीक। तो ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कोई चेंज क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है, डीएनए पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, और इसलिए ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है बेटा एक्वायर्ड ट्रेट, और इनको नॉन हेरिटेबल ट्रेट भी कहा जाता है। तो इससे ध्यान रखना जो अपने पास इनहेरिटेंस से रिलेटेड होता है वो तो है इनहेरिटेड, और बजाय जो बच गया वो हो गया कौन सा एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात आती है कि भी फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ये जो जेनेटिक्स के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में ये जो थ्योरी को पूरी समझाया था उसको किसने समझाया था, वो समझाया था ग्रेगर मेंडल ने। मेंडल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका ऊपर छोटा सा नोट जैसे आपको लिखवा रखा है बेटा, समझना ध्यान से आप, कि ग्रेगर जोहान मेंडल इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कई बार जैसे एक बार तो क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में कि भी मेंडल का पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जोहान मेंडल, साइंटिस्ट है ये, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भी, क्योंकि बेटा इन साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या है लॉ ऑफ हेरिडिटी प्रपोज किए, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे किस पर, पी प्लांट पर। तो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो प्रपोज्ड किए, ठीक है। और ये लॉ ऑफ हेरिडिटी जो हैं वो पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट पर थे बेस्ड, और पी प्लांट का बेटा साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम क्या है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि पाइसम सटाइवम या पी प्लांट का साइंटिफिक नेम बताओ, साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, यहाँ आर की जगह वर होना चाहिए, कि भी मेंडल की सक्सेस के मेन मेन रीज़न क्या थे, कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। तो बेटा सबसे सक्सेस होने का सबसे पहला कारण था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। कोई भी पर्सन सक्सेस तभी बन पाता है जब वो एक सही चीज़ का सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो मेंडल हमारे साइंटिस्ट वो इसलिए सक्सेसफुल हुए थे कि उन्होंने एक सही प्लांट का सिलेक्शन किया, एप्रोप्रिएट प्लांट का सिलेक्शन किया, और प्लांट कौन सा था, वो प्लांट था बेटा पी प्लांट। अब उस पी प्लांट में से क्या बातें भी की बहुत अच्छा था ये, तो देखो ध्यान से, पहली बात तो वही सिलेक्शन अच्छा किया था उन्होंने, ठीक है, वो बात आगे करेंगे अपन। दूसरी बात, उन्होंने एक बार में एक ही करेक्टर की स्टडी करी, ऐसा नहीं है भी एक बार में पांच जगह, जैसे कहते हैं ना एक बार में एक नाव पर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उन्होंने एक बार में एक ही करेक्टर के बारे में स्टडी किया, इसलिए जो है वो सक्सेसफुल होने, तो ये सीधी सी बात, सक्सेसफुल होने का इतिहास यही था मेन, ठीक है। अगली बात है कि उन्होंने जो है बिल्कुल लॉजिकल बातें पढ़ी, स्टैटिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किए अपने सभी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यानी कि मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था, ध्यान रखना, जिसने बायोलॉजी को और मैथमेटिक्स दोनों को एक तरह से मिक्स करने की कोशिश की, और मिक्स करके इन दोनों के ऊपर उन्होंने जेनेटिक्स ब्रांच को बनाया, ठीक है। तो ये हो गए मेंडल की बात। अगली बात आती है बेटा कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, तो पी प्लांट में से कौन कौन सी खास बातें हैं कि मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। तो जैसे सबसे पहली बात आती है कि भी पी प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर पाता है, ऐसा नहीं है पी प्लांट को ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पी प्लांट इजीली ग्रो कर पाता है। दूसरी बात बेटा कि पी प्लांट जो होता है उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, यानी ऐसा नहीं है कि मेंडल की उम्र बीत जाए पूरी, ठीक है, किसी भी आदमी की उम्र बीत जाए, आदमी मरने को जाए लेकिन पी प्लांट ग्रो ही ना करे, ऐसा नहीं है, ठीक। उसकी बहुत ही छोटी लाइफ होती है, तो हम जैसे उसकी बहुत सारी नंबर ऑफ जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं, जैसे जनरेशन मतलब इंसान में कहें अपन कि दादाजी भी देख लिए हमने, पापा जी भी देख लिए, उसके बच्चे भी देख लिए, पोते भी देख लिए, तो ये क्या है डिफरेंट जनरेशन है, दादा पापा बच्चा पोता, ठीक है।
अब जैसे इसमें ये ही बात इंसानों में तो इजीली नहीं है, लेकिन पी प्लांट में ऐसा इजी है क्योंकि पी प्लांट में शॉर्ट लाइफ होती है, तो हम बहुत ही कम टाइम में उसकी अलग अलग जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। अगली बात आती है बेटा कि पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब आप यही मान के चलो कि ऐसे कैरेक्टर जो बेटा इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। जब जेनेटिक में हेरिडिटी की स्टडी की जाती है तो इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, पेयर बोले तो 7 और टोटल बोले तो 14 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मेंडल ने स्टडी की थी कि अलग अलग लो दिए, तो इसमें मेंडल एक टर्मोलॉजी भी हम पढ़ेंगे जेनेटिक वाली कि अगर मान लो हम केवल जेनेटिक्स में एक पेयर की स्टडी करते हैं ना, तो बेटा इसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये ध्यान रखना, अगर आप केवल एक पेयर की स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर बेटा दो पेयर की स्टडी करते हैं कभी भी, तो बेटा दो पेयर की स्टडी करते हैं तो इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर तीन पेयर की स्टडी करते हैं तो बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। ये हाइब्रिड क्रॉस वाली बात तक तो अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो समझ लेना आप कि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे उनके बारे में थोड़ा समझे। तो मैं एक छोटा सा जैसे पॉइंट ले लेता हूँ कि पहले इसमें रखा है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, कि भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है वो समझना आप, क्या क्या वर्ड जो हैं अपने जेनेटिक्स में काम आते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है बेटा जीन, ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्या है जीन, तो जीन एक वर्ड है जो जेनेटिक्स में काम आता है। जीन क्या होता है बेटा, इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट होती है बेटा जीन। एक ऐसा फैक्टर होता है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों जीन, ठीक। दूसरी बात आती है बेटा किसके बारे में, एलेल के बारे में, कि एलेल क्या होता है, ठीक। जीन के बारे में आप ऐसा भी कह सकते हो कि जीन एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं, उन इनहेरिटेड ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक। वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे इसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं अपन जीन, ठीक है। सेकेंड बात है बेटा किसके बारे में, एलेल के बारे में, कि एलेल क्या है। तो बेटा एनी ऑफ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलेल, तो जीन की ही एक फॉर्म होती है एलेल। जैसे कि किसी भी, मैंने कहा आपको जीन वो है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम, जैसे मान लो टोलनेस है, तो टोलनेस का जो एलेल होगा मतलब कि टोलनेस को आप किस कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोलनेस के लिए हमने एक सिंपल वर्ड ले लिया टी, तो टी अल्फाबेट ले लिया, ठीक है। तो ये टी हो जाएगा बेटा एलेल ऑफ टोलनेस। इसी तरह से जो ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस बोलते हैं शॉर्टनेस बोलते हैं, इसके लिए हम ले लिया स्मॉल टी। तो जनरली जेनेटिक्स में जो है कैपिटल अल्फाबेट जो लिए जाते हैं ना, वो ऐसे करेक्टर के लिए लिए जाते हैं बेटा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि देखो मैं कहूँ कि क्लास में जैसे दो तरह के बच्चे बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है, क्लास में दो टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, टू टाइप के बच्चे। एक बच्चा तो ऐसा है जो बैठा तो हुआ है लेकिन उसका बैठा होना नहीं होना कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चा वो है जो बैठा हुआ है लेकिन पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, टीचर्स के साथ रिप्लाई करने का काम कर रहा है, टीचर की टीचर को बता रहा है कि सर मेरे को ये वाले पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब टीचर से अपना कनेक्शन अच्छा बैठा पा रहा है। तो जो अपना कनेक्शन अच्छा बैठा पा रहा है उसको तो हम बोलेंगे कि उस बच्चे ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो बेटा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना, उस कैरेक्टर को हम एक नाम देते हैं, क्या, उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे आप समझना, ध्यान से आपको समझाता हूँ मैं ये वाली बात, कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास दो तरह के ट्रेट होते हैं, ठीक है, दो तरह के ट्रेट होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर, और एक ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो बच्चा कनेक्शन बैठा पाता है वो तो है डोमिनेंट, और जो नहीं बैठा पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो है रिसेसिव। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हो बेटा कि जैसे मान लो हर इंसान में
अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अब जो चीज़ एक्सप्रेस होगी वो डोमिनेंट, अगर अच्छाई एक्सप्रेस हो रही तो ये डोमिनेंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से क्या है, जैसे जेनेटिक्स में क्या है, ये एक पढ़ाई में फिक्स कर दी बात जब जेनेटिक्स बनाई गई कि जिसको भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, जैसे वो कैपिटल टी हो चाहे वो कुछ भी हो, कैपिटल लेटर्स जिसको रिप्रेस करेंगे ना, मतलब वो चीज़ क्या है, डोमिनेंट होगी। तो आप भी पढ़ाई करते टाइम ध्यान रखना कि जहाँ भी हम कैपिटल लेटर काम में ले रहे हैं ना, मतलब वो करेक्टर जो है बेटा कैसा होगा, वो करेक्टर डोमिनेंट होगा। जैसे हमने यहाँ कहा कि एल एल ऑफ टोलनेस, तो टोलनेस के लिए जो सिंबल है वो काम में लेते हैं हम क्या, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए काम में लेते हैं स्मॉल टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि होमोजाइगस, होमोजाइगस किसे कहा जाता है, व्हेन बोथ द एलेल ऑफ जीन आर सेम, जब किसी भी जीन के लिए जो उसके एलेल हैं वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये कोड जो है ये बेटा हमेशा दो चीज़ों के मिलने से बनता है। जैसे टोलनेस है, ठीक है, उस टोलनेस को हमने लिखा कैपिटल टी कैपिटल डी। अब आप देखो यहाँ पे ये पहला एलेल, ये दूसरा एलेल, ये दोनों एलेल क्या है, सेम है। तो जब दोनों एलेल सेम होते हैं ना, तो बच्चों इसे कहते हैं होमोजाइगस, ठीक। सेम जैसे एग्जांपल किसका है, ड्वार्फनेस का, दोनों सेम सेम है। लेकिन जब दोनों एलेल जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो बेटा इसे कहा जाता है हेट्रोजाइगस, ठीक है, जब दोनों डिफरेंट हो, जैसे कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल लेटर में होगा वो डोमिनेंट होगा, तो अब आपसे पूछे बताओ भी, ये एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा अपने पास ट्रेट है जिसमें जो है वो टोलनेस का भी एलेल है और ड्वार्फनेस का भी एलेल है, तो बताओ ये टोल होगा कि ड्वार्फ होगा। तो भाई या तो टोल ही होगा या ड्वार्फ, यानी कोई या तो अच्छा हो क्या बुरा होगा, दोनों तो कोई हो नहीं सकता कि अच्छा बुरा दोनों है। तो वो कौन होता है, वो जो डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जो कैपिटल लेटर में है। तो कैपिटल लेटर में कौन है, यहाँ पे कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसका होता है, टोल का। तो यानी कैपिटल टी स्मॉल टी किसके लिए होता है बेटा, टोलनेस के लिए काम में आता है, ठीक है। तो आप तो अभी सिंपल ध्यान रखो, अगर दोनों सेम सेम है तो होमोजाइगस बोलते हैं, जैसे इस वाले में दोनों सेम सेम थे तो होमोजाइगस हैं, और इस वाले में डिफरेंट डिफरेंट तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। फिर आता है बेटा फिनोटाइप, तो पी से फिनोटाइप और पी से होता है फिजिकल अपियरेंस, तो जो फिजिकल अपियरेंस से रिलेटेड होता है ना उसी को बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे जिसको आप बाहर से देख पाओ, कि आप प्लांट को देख रहे हो तो आप देख पाओगे वो टोल है, वो ड्वार्फ है, वो रेड कलर का है, जैसा भी है मतलब। तो जो फिजिकल अपियरेंस है ना उसे तो कहते हैं बेटा क्या, फिनोटाइप। और जो जेनेटिक कोड होते हैं, मतलब जिसकी स्टडी के लिए उसको लैब में ले जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम जेनेटिकल कोड, जो कि बना जाता है, जैसे टोलनेस का बनाते थे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी है, तो इस कोड को कहते हैं हम क्या, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जीनोटाइप के लिए एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, एक जीनोटाइप है, किसके लिए, लेंथ के लिए जीनोटाइप है ये, ठीक है। तो ये सारी बात आप ध्यान रखना। फिर जैसे इसमें एक छोटी सी टेबल बना रखी है बेटा, टेबल किस बारे में है, टेबल इस बारे में है कि आपको कहा था कि 7 पेयर होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, ठीक। अब जितने पेयर की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं उतना ही हाइब्रिड, जैसे एक पेयर की स्टडी करेंगे तो बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, दो की करेंगे तो डाई हाइब्रिड, तीन की स्टडी करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, इस तरह से। तो एक तो आपको बता रखा है अभी कि 7 पेयर जो हैं वो करेक्टर कौन कौन से हैं, टोटल 14 है, तो टोटल कौन कौन से वो आपको बता रखा है, ठीक है। और अब इनमें से जो डोमिनेंट है वो सारे अपन इस जगह लिखेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रख पाओगे कि इस जगह जो जो है वो सब डोमिनेंट है और उधर वाले सब कौन रिसेसिव है। जैसे बेटा फर्स्ट नंबर पे आता है फ्लोवर कलर, कि फ्लोवर का कलर कैसा हो, तो जैसे फ्लोवर के मटर के प्लांट में, पी प्लांट में दो होते हैं, पर्पल वाले और जो है वाइट वाले। तो अगर जैसे मान लो पर्पल कलर का फ्लोवर आया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि पर्पल वाला डोमिनेंट होता है, ध्यान रखना, और रिसेसिव होता है वाइट वाला, ठीक है। तो दो कलर हो गए, पर्पल वाइट, दो अवेलेबल होते हैं। तो और अगला है फ्लोवर की पोजीशन, तो एक्सियल टर्मिनल, मतलब जैसे मान लो ये कोई भी स्टेम है, तो अगर साइड में फ्लोवर है ना तो इसको तो बोलते हैं एक्सियल, और बिल्कुल छत पे जाके फ्लोवर यहाँ लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। इस तरह से दो वेराइटी अवेलेबल है, मतलब वेराइटी की बात कर रहे हैं एक तरह से हम, ठीक। सीड कलर, तो सीड कैसा कैसा होगा, सीड येल्लो होगा और ग्रीन होगा, सीड की शेप राउंड होगी, रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है राउंड, तो मतलब बिल्कुल राउंड, रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड सा तो है लेकिन दबा हुआ सा है बिल्कुल, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा सा है थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं रिंकल्ड। तो ये तो हो गया राउंड वाला, और ये वाला हो गया रिंकल्ड वाला, ठीक है। फिर है पोड शेप, बेटा पोड, पोड क्या होता है, जैसे अपन जब बाजार से मटर लेके आते हैं तो मटर इस तरह से आते हैं, उसको छील के फिर उसमें से मटर का दाना निकलता है,
ठीक, तो दाना तो हो गया शीड। और जैसे बात ये आती है कि जैसे जो मटर का अपने पास में ये आया जिसने को अपन ने छीला, तो इसको बोलते हैं पोड। तो इस पोड की शेप या तो होती है इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट मतलब बिल्कुल जैसे मैंने ये वाले बनाई, और कंस्ट्रक्ट मतलब होता है इमली जैसी, इमली ऐसी होती है ना, तो इस तरह का पोड है। तो अगर इस तरह का पोड है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड, और ऐसा है तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, इन्फ्लेटेड। और जैसे पोड कलर, तो बाहर से मटर दिख कैसे रही है, हरी दिख रही है, तो ग्रीन भी हो सकती है और वो येल्लो भी हो सकती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और स्टेम लेंथ, स्टेम मतलब कि अगर वो बहुत बड़ा है मटर का प्लांट तो उसको बोलेंगे वो टॉल हो गया, और छोटा है तो उसको बोलेंगे हम क्या हो गया, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ मतलब छोटा हो गया, ठीक है। और ये सारे हो गए बेटा हमारे पास 7 पेयर हो गए, तो 7 पेयर हो गए टोटल, देखे तो इधर उधर मिला के 14 बनते हैं, बाकी टोटल 7 पेयर हैं। ये साइड वाले जो भी हैं ये सब डोमिनेंट हैं, और ये वाले सब कौन है, रिसेसिव हैं, ठीक। फिर जैसे बता रखा है बेटा डोमिनेंट ट्रेट कौन से होते हैं, तो बेटा ऐसा करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। या देखो ये लिख रखा है कि ए ट्रेट विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ, जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ठीक। रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है, तो बेटा ऐसा ट्रेट जो अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे कहते हैं बेटा अपन रिसेसिव ट्रेट। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर अभी टेबल बनाई है, उसमें टोलनेस वाला जो था ना वो तो किसका एग्जांपल है बेटा, डोमिनेंट का, और ड्वार्फनेस वाला जो है ना बेटा मेरे, वो किसका एग्जांपल है, रिसेसिव का। तो कह रहे बेटा इस तरह से सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये छोटी सी वीडियो है, इसको आप समझने की कोशिश करना और कनेक्शन बैठाने की कोशिश करना, जितना समझ में उतना समझो, ठीक है। और इसके नोट्स बनाओ, नोट्स भी बना लो, और बाकी जो भी डाउट है वो अपन व्हाट्सअप पे या जूम मीटिंग के थ्रू, जूम क्लास के थ्रू या टीचमेंट के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और इससे क्या है, फटाफट आपका चैप्टर जो है मैक्सिमम 2 या 3 डेज में अपन कंप्लीट इजीली करवा देंगे, ठीक है बेटा।